इन सात आयामों में अगला आयाम स्वाभाविक रूप से स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान यानी स्व या खुद का घर। स्वाधिष्ठान की साधना आपको एक तरह की आजादी देती है। ये शब्द इस देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र यानी खुद से जुड़ी तकनीक, स्व यानी आप और तंत्र यानी एक टेक्नोलॉजी तकनीक, मुक्त होने का एक तरीका। क्योंकि सबसे बड़ा बंधन हमारे जन्म की प्रक्रिया में है, सबसे बड़ी इच्छा है जन्म देने की इच्छा। ये लोगों के शरीर, मन और भावनाओं का बंधन है। तो स्वतंत्र यानी स्वाधिष्ठान और स्वतंत्र जुड़े हुए हैं, यानी तब आपको तंत्र मिल गया है। स्व को या खुद को ऐसी परेशानियों या मजबूरियों से मुक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आपका स्व बिल्कुल आजाद है। स्वाधिष्ठान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अगर स्वाधिष्ठान एक तरह से स्थापित हो तो आपकी सृजन की क्षमता, जिसका सबसे नीचा रूप बच्चा पैदा करना है, सबसे ऊंचे स्तर पर आप चाहें तो एक देवता पैदा कर सकते हैं। देवता बनाने की तकनीक इसी से आई, क्योंकि अगर किसी का स्वाधिष्ठान पर पूरा कंट्रोल हो तो वो चाहे तो एक देवता की रचना कर सकता है। इस सिस्टम में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, उनमें से स्वाधिष्ठान का तरीका सबसे जटिल और सुंदर है। पर यह तरीका व्यक्तिगत रूप से खतरनाक भी है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा करने पर आप खुद तो होंगे पर शरीर नहीं होगा। एक सुंदर आत्म पर शरीर गया, ऐसा तब हो सकता है जब उसका ज्यादा इस्तेमाल हो या कंट्रोल न रहे। कई लोग जिन्होंने देवता बनाए, उन्हें अक्सर लगा कि एक देवता बनाना काफी है, और वे सब कुछ उसमें डालकर या तो चले गए या सब कुछ उसमें डालकर अपनी क्षमता खो बैठे। कुछ ने ज्यादा करने की संभावना बनाए रखी। जब बाकी सभी आयाम सक्रिय हों, तभी कोई देवता पैदा कर सकता है। एक देवता पैदा करके भी जीवित और शक्तिशाली रहने के लिए बाकी के छह भी समान रूप से सक्रिय होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। खैर, किसी ने हमें पैदा किया, वो भी महत्वपूर्ण है। हम उसे कम महत्वपूर्ण नहीं बता रहे, वो भी महत्वपूर्ण है, तभी हम यहां बैठे हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिलीवरी वुड बी डिलीवरिंग अ डिवाइन एंटिटी। पैदा करने का सबसे ऊंचा स्तर देवता को पैदा करना है। तो स्वाधिष्ठान का एक आयाम ये है कि अगर आप उसे उसकी प्राकृतिक मजबूरियों से ऊपर ले जाने की कोशिश करें, जो मूल रूप से बच्चे पैदा करना है, आपको ये समझना होगा कि जिसे कामुकता कहते हैं, वो वाकई ये है कि प्रकृति आपको बच्चे पैदा करने के लिए उकसाती है। आधुनिक समाजों में लोगों ने इसका अपना एक उद्देश्य गढ़ दिया है। हां, इसकी मदद से लोग खुद को एक दूसरे से बांध रहे हैं, पर मूल रूप से शरीर बच्चे पैदा करना चाहता है। अगर ऐसा न होता तो हम आज यहां न होते। पर जीवन के चक्र में जीने के बजाय कहीं और जाने के लिए, अगर आप अपने जीवन के प्राकृतिक चक्र से परे जाना चाहते हैं, तो इन आयामों को पार करना जरूरी हो जाता है। अपने मूल आधार पर महारत हासिल करने के लिए, जिसे कायाकल्प कहते हैं, आप चट्टान की तरह हो जाते हैं, तब शरीर हजारों वर्ष से भी ज्यादा समय तक टिक सकता है। स्वाधिष्ठान साधना करने पर ऊर्जा फूटती है। आप देवता पैदा कर सकते हैं पर अपना शरीर खो सकते हैं। अगर आप मणिपूरक पर कोई ध्वनि लाएं, तो मुंह खोले बिना
शरीर खुद ध्वनि से गूंजने लगता है। अनाहत मजबूत होने पर लोगों को चीजें सुनाई देती हैं। स्थिर व्यक्ति भी पागल हो सकता है। विशुद्धि के सक्रिय होने पर आप तंत्र विद्या सीख जाते हैं। शरीर छोड़ चुके प्राणी खुद ही आपकी तरफ आएंगे। आज्ञा या स्पष्टता, ये चक्र आपको जबरदस्त स्वतंत्रता देता है। सहस्रार बिल्कुल पागलपन है। जब ऊर्जा सहस्रार को छूती है, तब आपसे परमानंद टपकता है।